And she's going to be putting on cameo. Virtual reality headgear, dodging a few obstacles, and smashing into the Adidas logo and Adidas merchandise. Let's see what score she can achieve in the Ultra Smash. Sir. Thank you. Alright. So Adidas is almost like family right now. I've been with them for the last 2 years. I'm a passionate runner, and that's why they signed me on as the face of running for Adidas. We've done a whole lot of events in the last 2 years. I'm very excited about the Ultra Boost, and like you all see, I'm wearing it right now, and I've run a lot with it. It's a lovely shoe. Okay, sir, मेरी shoes की बात आती है personally. तो आप किस तरीके के shoes लेना पसंद करती हैं, और क्या एक वो quality है जो एक shoes के अंदर आप देखते हैं? तो एक तो running shoes होते हैं, और दूसरे जो leisure shoes या fashion shoes होते हैं. अगर मुझे choice दे तो मैं red carpet पर भी मैं sneakers और running shoes पहनकर ही जाऊँ. Thankfully सोनम और आनंद ने उनके शादी के वक्त sneakers लहंगे के नीचे सोनम ने sneakers पहने थे. So I think that's kind of become a fashion right now. So I am obsessed with running shoes and sneakers. तो ये जो Ultra Boost shoes है बहुत ही अच्छे comfortable running shoes है, but they are also very good looking shoes. Okay, what is your fitness mantra अगर आपके तो फिटनेस मंत्रा मैं बचपन से बहुत स्पोर्ट्स खेली हूँ.
बैडमिंटन क्रिकेट बास्केटबॉल 10 स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट के लिए हूँ. एंड अभी भी अगर मेरे सोशल मीडिया फॉलोइंग को देखे तो क्रिकेट इज़ समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. एंड आई टुक टू रनिंग 3 years अगो. आई हैव स्टार्टेड डूइंग मैराथन्स. आई हैव रन अ फुल मैराथन, डन अराउंड 7-8 हाफ मैराथन्स. सो क्रिकेट, बैडमिंटन एंड रनिंग आर प्रीटी मच माय 3 स्पोर्ट्स आई फॉलो. तो फिटनेस टिप्स इज बेसिकली कंसिस्टेंसी. आई फील इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिटनेस. यू ऑल नीड टू रन और प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, इवन इफ इज जस्ट फॉर 30 minutes इन अ डे. एंड यू नो द एक्सक्यूज ऑफ वी डोंट हैव टाइम या हम बिजी है डजेंट मेक सेंस, क्योंकि 24 घंटों में आधा घंटा तो मिलता ही है. सो आई थिंक इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ डूइंग इट एवरी डे. तो मैं अभी एक वेब अमेजॉन शो कर रही हूँ जिसका शूट अभी चल रहा है. एंड लाइक आई सेड, आई एम होपफुली स्टार्टिंग ऑन माय सेकंड हिंदी फिल्म होपफुली इन अप्रैल और मई. सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, क्योंकि कई फिल्में स्टार्ट होने वाली थी और स्टार्ट नहीं हुई, तो होपफुली अभी ये स्टार्ट हो जाएगी. किस तरीके की फिल्में आप करेंगी? सॉरी, किस तरीके की फिल्में आप चुन रही हैं? किस तरीके की फिल्में आप करेंगी? तो अभी यू नो देयर हैव बीन 2-3 इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स दैट हैव कम. ये जो फिल्म है ये इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म. एंड जो मेरा किरदार है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड यू ऑल विल नो व्हाई व्हेन द डिटेल्स आर आउट सून. ओके, फैमिली के साथ हमारे अभिनंदन जी भी अभी आ गए हैं हमारे कमेंटर देश के कमेंटर. आई एम सॉरी, अभी अभिनंदन जी जी बिल्कुल शेंगुल के बारे में किस तरीके से हम क्या आई मीन ही इज जस्ट बीन समबडी हु हैज ब्रॉट सो मच प्राइड टू आवर नेशन, बिकॉज़ आई फील आवर नेशन हैज कम टुगेदर एज वन एंड गॉटन पेट्रियोटिक बिकॉज़ ऑफ हिम. एंड आई ओनली हैव ऑल माय विशेस फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली. एंड थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू हैव डन. आई फील मैं यू नो इट्स इनकरेक्ट ऑफ मी टू बी मेकिंग कॉमेंट्स ऑन समथिंग लाइक दिस, बट एज एन इंडियन, एज समबडी हु इज़ अ पेट्रियोटिक नेशनल, आई फील दैट वॉर इज़ नॉट द आंसर बट नॉर इज वॉट इज हैपनिंग. सो देर आई एम ग्लैड दैट वी हैव मेड सम काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट एंड आई जस्ट होप दैट वी फाइंड सम काइंड ऑफ पीस इन बोथ द सिचुएशंस. थैंक यू. Thank you.
I have been associated with Adidas for about 1.5 years now, and this is my second year in the running, running with Adidas and running on my own. thanks, yaar. And bahut excited hai aaj because this shoe, Ultra Boost 19, is, I think, by far the most comfortable, the most smooth and swift shoe that I have experienced running. हालांकि इसमें मैंने ज़्यादा रन नहीं किया है, 3 किलोमीटर रन ही किया है, लेकिन उसमें भी इट वॉज एफर्टलेस एंड आई एम वेरी हैप्पी. अबाउट द शू, आई थिंक आई हैव टू सेकंड पूजा बिकॉज आई लव दिस शू द मोस्ट एंड आई एम वेरी फिनिकी व्हेन इट कम्स टू शूज़. आई वॉन्ट द परफेक्ट फिट, यू नो, बिकॉज आई, for me running isn't like, okay, you know, today I have to run. I do it when, you know, I'm stressed and everything. So at that point of time, I think having the perfect footwear is very important. And I've not run in them as much, like as Pooja said, because we've like just got them, but I'm really looking forward because the run that I had, the little that I've run with it, I've loved it. And let's see, I'm hoping. Okay, personally, agar aapke baat kare to ek shoes khareedne ke pehle kya kin kin cheezon ka dhyan rakhte hain, log kin kin cheezon ko? I don't know, for me, I think firstly it just has to be comfortable, you know. Not all shoes are like made to your fit. You have to decide which one is comfortable, and for me, Ultra Boost 19 especially has been the most comfortable shoes that I've run in. And because I don't know, I think I'm very fussy about how they look and everything, and they look also super cool. So I think the look, the feel, the comfort is just bang on. See, I think when you're choosing your shoe, first of all, aapka purpose kya hai, that is very important. Do you want it for running? Do you want it for anything else? Any other sport? This particular shoe, when it comes to running in them, and when it comes to running, I think I've loved all my Adidas shoes. These ones specifically have, as she said, they're very comfortable. And I have pair mein wo kya bolte corn ka problem hai mujhe. So I really, my shoes really insole se leke har cheez, everything has to be just right. Varna mujhe bahut dard hota hai, bahut takleef hoti hai. And I think they have done the job for me.
So yeah, fit, color, and of course they come in so many colors and designs. So yeah, what more do you want? Okay. Thank you. Thank you.